हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सीटेट लाइव मैथ्स क्लास के अंतर्गत आपने महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक को देखा, जैसे पहला टॉपिक आपने देखा था गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा टॉपिक आपने देखा डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल टीचिंग, है ना, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। तीसरे टॉपिक में आपने ये देखा था कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्यूरिकुलम। ये तीन मुख्य टॉपिक हुए थे। एक अगला टॉपिक मैं यहाँ से गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे दो प्रश्न संभावित बराबर पूछे गए हैं, दो से तीन, मतलब एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से आप इसे रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं गणित की भाषा क्या है इस पर बात करते हुए और इनके जो थ्योरी है समझ लेते हैं, और इसके बाद लास्ट में टॉपिक के अंत में गणित की भाषा सब संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी खुले तौर पे मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि आपने लिखा है गणित की भाषा टॉपिक, तो अब यहाँ से ये बता देना जरूरी है कि गणित एक स्वतः भाषा ही है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर चलती है। मतलब जो गणित की भाषा होती है वो विभिन्न चिन्ह और नियम से होकर चलती है, और गणित जो है स्वयं एक भाषा है। अच्छा, यहाँ से एक तो पहला पॉइंट आपने ये अभी देखा, मैंने बताया कि गणित स्वतः एक भाषा है, गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से होकर चलता है। तो ये पहला पॉइंट है कि गणित जो है वो स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्ह और विभिन्न नियम से होकर चलता है। अब यहां से एक स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि गणित के अध्ययन के लिए क्या हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता है? जैसे मान लिया मैं गणित पढ़ना चाह रहा हूं, तो क्या हमें गणित पढ़ने के लिए किसी अन्य भाषा को सीखने की आवश्यकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, हम अपने लैंग्वेज में ही, जो हमारा मदर टंग है, मैं उसी में गणित को पढ़ सकता हूँ। इसका मतलब ये निकला कि गणित के अध्ययन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात गणित की जो भाषा होती है वो सामान्य भाषा की तरह ही होती है। गणित की भाषा सामान्य भाषा की तरह ही होती है, इसका मतलब ये है कि हमें गणित को सीखने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से एक दूसरा पॉइंट ये निकल कर आता है कि गणित सामान्य भाषा के रूप में ही होती है, अर्थात सामान्य भाषा के रूप में ही होती है, अर्थात गणित सीखने के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती, किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती। ये पॉइंट आपने समझा कि नहीं? मैंने आपको बताया कि व्यक्ति जो गणित पढ़ना चाहता है, बालक जो गणित पढ़ना चाहता है, वह अपनी सामान्य भाषा में ही गणित को पढ़ सकता है, अर्थात गणित की कोई अन्य भाषा नहीं होती, हम अपने सामान्य भाषा में ही गणित को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट मिला। अब एक सवाल मैं फिर से आपसे यदि ये करूँ कि क्या गणित को सीखने के लिए हमें किसी विशेष जन्मजात योग्यता की जरूरत होती है? बताइए, जैसे हमें गणित सीखना है तो क्या ऐसी कोई विशेष जन्मजात योग्यता पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा नहीं।
मतलब ऐसा तो है नहीं कि पूर्वजों के यदि डीएनए में गणित भरा है तभी बालक गणित पढ़ पाएगा, ऐसा तो है नहीं। या जिसके पिताजी दादा परदादा ये सब गणित पढ़े हों उन्हीं का जो संतान है या पीढ़ी है वही गणित पढ़ सकेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये है कि गणित सीखने के लिए हमें या व्यक्तियों में कोई ऐसी विशेष जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती। अर्थात मतलब ये निकलता है कि हर सामान्य व्यक्ति गणित सीख सकता है, सीख सकता है कि नहीं। जब ऐसी कोई विशेष जन्म से कोई योग्यता ही नहीं पाई जाती तो इसका मतलब क्या हुआ, हर सामान्य व्यक्ति गणित को पढ़ सकता है। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट ये निकल कर आता है कि गणित सीखने के लिए या गणित पढ़ने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती, कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती। अर्थात हर सामान्य बालक, अर्थात हर सामान्य बालक गणित को पढ़ या सीख सकता है। सेंस आपको समझ में आना, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि गणित की प्रकृति है, डैश ऑप्शन दे दिया जाए, ध्यान देना, मैं आपसे प्रश्न पूछूं गणित की प्रकृति है, डैश ऑप्शन दे दिया जाए अलंकारिक, बी में दे दिया जाए कठिन, सी में दे दिया जाए सामान्य के लिए नहीं, और डी में दे दिया जाए तार्किक, तो आप क्या बताएंगे गणित की प्रगति क्या है? तार्किक होती है, गणित की प्रगति क्या होती है? तार्किक होती है। अलंकारिक का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो मैंने हिंदी से ऑप्शन उठा लिया है, गणित की प्रकृति अलंकारिक, ये तो बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, दूसरा बी ऑप्शन लिखा है कठिन। कभी कभी हम अपने अनुसार उत्तर देने लगते हैं, हमें जैसे गणित नहीं आता तो हमें लगता है बिल्कुल कठिन होता है तो मैं कठिन लगा देता हूं, तो ऐसा भी नहीं, ना तो अलंकारिक है और गणित कठिन भी नहीं होता। तीसरा लिखा है सामान्य के लिए नहीं। अब सामान्य के लिए गणित नहीं होता तो क्या मंगल ग्रह वालों के लिए होता है? मतलब गणित तो हर सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता है ना। जब ध्यान देना, सिंपल सी दो बात माइंड में रखना, जब गणित की भाषा देखा जाए, गणित जब सामान्य भाषा के रूप में ही कार्य करती है, अर्थात गणित सीखने के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी चीज कि गणित के अध्ययन के लिए ऐसी कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती, अर्थात सेंस बिल्कुल स्पष्ट है, जब गणित की भाषा हम सामान्य भाषा के रूप में ही है और गणित सीखने के लिए किसी हमें विशेष जन्मजात योग्यता की भी जरूरत नहीं होती, तो इसका मतलब है कि गणित हर सामान्य व्यक्ति के लिए है, हर सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता है, बालक पढ़ सकता है, सीख सकता है। यहाँ तो लिखा है सामान्य के लिए नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा है, बचा क्या तार्किक। तो यहां से ध्यान देना कि गणित पढ़ने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती जो अन्य विषयों से गणित को अलग रखता हो, अर्थात हर सामान्य बालक गणित को पढ़िया सीख सकता है। अच्छा, गणित की जो भाषा है ये विभिन्न देखा जाए, जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा का निर्माण विभिन्न अंगों से हुआ है, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, ठीक उसी तरीके से कि गणित यदि भाषा है तो गणित भाषा का भी जो निर्माण होगा वो कुछ विशेष अंगों से मिलकर बना होगा कि नहीं, तो बिल्कुल बना होगा। तो आप जानते हैं कि गणित भाषा के जो प्रमुख अंग हैं, गणित भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो पांच प्रमुख अंग हैं। सबसे पहला है पद, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टर्म, आगे है प्रत्यय जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट, और आगे है सूत्र, तीसरी फार्मूला, और सिद्धांत चौथा है प्रिंसिपल।
और एक लास्ट होता है चिन्ह, साइन। तो गणित भाषा के जो प्रमुख अंग हैं वो पांच प्रमुख अंग हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा, हालांकि इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं और ये मैंने प्रूव भी किया था एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेके, तो अब फिर से मैं इसे प्रूफ नहीं करूंगा, बस इतना ध्यान देना गणित की भाषा के पांच प्रमुख अंग हैं पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। और ये पांच आपको याद तो रखने ही हैं, साथ ही साथ सीक्वेंस में याद रखना है। कभी कभी प्रश्न, कभी कभी क्या सीटेट का पूछा गया प्रश्न है कि गणित भाषा के अंगों का सही क्रम है डैश। अब पहला ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए थे, जैसे पहले में दे दिया पद, फिर दे दिया सूत्र, फिर सिद्धांत, प्रत्यय, फिर लास्ट में चिन्ह, मतलब सीक्वेंस आगे पीछे किए रहेगा। तो आपको पांच याद रखने ही हैं ये क्रम से, क्रमबद्ध तरीके से। और कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ लेता है कि गणित भाषा के अंगों में शामिल नहीं है डैश, गणित भाषा के अंगों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है डैश। पहला ऑप्शन दे दिया प्रत्यय, बी में दे दिया चिन्ह, सी में दे दिया विषय की प्रकृति और डी में लिख दिया सूत्र। तो क्या नहीं है, विषय की प्रकृति। गणित भाषा के अंगों में ये पांच ही प्रमुख अंग हैं, ये आप बिल्कुल माइंड में रखिएगा। तो चलिए यहाँ, और ये जो मैंने बताया विषय की प्रकृति, वो आपके गणित को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आते हैं। तो गणित की भाषा जब मैंने शुरुआत किया तो इसके बेसिक चार पॉइंट आप ये माइंड में रखिएगा, है ना। अब देखा जाए, मैं बता रहा हूँ गणित में सोच बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है और ये प्रश्न सीटेट में बना है, तो चलिए मैं इस पर थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। एक हेडिंग मैं कर रहा हूँ इसी टॉपिक के अंतर्गत, ये चौथा हमारा टॉपिक चल रहा है गणित में सोच। थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। चलिए अभी आप समझिएगा, मैं यहां पे लिखा हूं गणित में सोच, है ना, थिंकिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, गणित में जो सोच है, थिंकिंग, वैसे हम जब किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सोचते हैं, समझते हैं, तो हमारी सोच मुख्य दो वे में होती है। देखा जाए सोच के दो मूल प्रकृति होते हैं, एक प्रकृति होता है कन्वर्जेंट और एक प्रकृति होता है हमारा डाइवर्जेंट। अच्छा, कन्वर्जेंट इसको हम बोलते हैं अभिसारी और डाइवर्जेंट का सेंस जो है वो है अपसारी। तो गणित में सोच की यदि हम बात करें तो सोच की दो मूल बेस होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, अभिसारी और दूसरा है अपसारी। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, अभिसारी का जो सेंस है वो ये है, इसका फेस मैं आपको बता दूं बंद होता है। बंद मतलब आप ये कह सकते हैं इसका फेस एक ही होता है, ये एरो संकेत मैंने किया है, मतलब ऐसे सोच केवल एक ही तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, व्यक्त किए जा सकते हैं। मतलब ये है, मैंने बताया ना, ऐसे सोच केवल एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, एक ही प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात ऐसे प्रश्न फैक्ट पर बेसिस होते हैं, सच्चाई, मतलब फैक्ट का मतलब ये होता है कि है तो है और नहीं है तो नहीं है, मतलब बात बिल्कुल फैक्ट होती है। अभिसारी वाले प्रश्न इसका फेस मैंने कहा बंद होता है, बंद मतलब एक ही फेस होता है, और इसका फेस बंद होने के कारण मैं इसे कहता हूं बंद अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न। मतलब आपको मैं बता दूं, ये हम कहते हैं ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये जो सोच होता है ऐसे प्रश्नों की प्रकृति होता है बंद अंत वाले प्रश्न।
बंद अंत वाले प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल एक माध्यम होता है, मतलब एक ही प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक ही तीर का निशान है, मतलब एक ही प्रकार में सोच को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फैक्ट पर बेसिस होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप समझिएगा। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि कल बरसात हुई थी, तो यदि हुई होगी तो आप कहेंगे हाँ, और नहीं हुई होगी तो आप कहेंगे नहीं, बस बात खत्म, बात वहीं पर बंद। मैंने पूछा कल बरसात हुई थी, आपने कहा नहीं, बस एक ही प्रकार से आप व्यक्त किए, या हुई थी तो आप कहेंगे हाँ हुई थी। मतलब ये बिल्कुल फैक्ट पर होते हैं, फैक्ट पर बेस्ड होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? या कूलर के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, मैथमेटिकल एग्जांपल रख रहा हूँ। बंद अंत वाले प्रश्न मैंने बताया कि एक फैक्ट पर कार्य करते हैं। जैसे एक मैं मैथमेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 3 + 7 बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 10। मैंने आपसे पूछा कि 3 + 7 ये बराबर कितना होगा, तो आपने कहा 10। क्या और कुछ बता सकते हैं? नहीं। 3 + 7 बराबर 10, ये फैक्ट है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता, गलत नहीं किया जा सकता, समय स्थिति आदि अकॉर्डिंग पर ये बदल नहीं सकते। मतलब ये बिल्कुल बात फैक्ट है, हम केवल एक ही प्रकार से बता सकते हैं। हमसे कोई पूछे 3 + 7 बराबर, तो एक ही प्रकार बता सकते हैं, वो कहेंगे 10। या मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है डैश, अब इसका जवाब आप क्या देंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, 0, यही बताएंगे ना। ध्यान देना, पूर्ण संख्या की डेफिनेशन होती है 0 सहित समस्त प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 होते हुए इनफाइनाइट तक। तो जब मैंने आपसे पूछा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपने बताया 0, बस बात खत्म, बात बंद। मतलब ये प्रश्न किस श्रेणी का था? अभिसारी, कन्वर्जेंट, मतलब इसका फेस बंद होता है, या ऐसा कह सकते केवल एक होता है, मतलब एक ही प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं और प्रकार से नहीं, क्योंकि ये फैक्ट पर कार्य करते हैं। इसीलिए हम ऐसी सोच को, ऐसी सोच के जो प्रश्न होते हैं, हम उसे बंद अंत वाले प्रश्न के कैटेगरी में रखते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दिया। अब यदि ये इसको, इसके बारे में आपको लिखना हो, तो मैं बोल देता हूँ, आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। मैं आप देखिए कैसे बंद अंत वाले प्रश्न के डेफिनेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे प्रश्न जिसको केवल एक ही तरह से व्यक्त किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों का फेस एक ही होता है, अर्थात बंद होता है। ऐसे प्रश्न सोच के अन्य माध्यमों को विकसित नहीं करते हैं। ऐसे प्रश्न फैक्ट पर कार्य करते हैं, जैसे 3 + 7 = 10, ये फैक्ट है, झुठलाया नहीं जा सकता, आप एक ही प्रकार से उत्तर दे सकते हैं, तो इसका फेस एक ही है, उत्तर देने का तरीका एक। तो ये कन्वर्जेंट के बारे में मैंने बताया, संभवतः आप समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं, जो मैंने यहां पे आपको बताया ना, सोच के जो दो प्रकार है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो चलिए डाइवर्जेंट की बात करें। अपसारी, वैसे अभिसारी अपसारी में कंफ्यूजन हो तो एक बार इंग्लिश हिंदी इसका देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं डाइवर्जेंट अपसारी। आपको बता दें कि इस प्रकार के सोच में हम अपने विचारों को अलग अलग वे में व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब स्पष्ट है कि सोच का ये जो डाइवर्जेंट प्रकार होता है, सोच का ये जो डाइवर्जेंट प्रकार होता है, इसमें हम अपने विचार को अलग अलग प्रकार से रख सकते हैं, अर्थात ऐसे प्रश्नों, ऐसी सोच ओपन होती है, खुली होती है। मतलब हम यहाँ पे विचार केवल एक ही तरीके से रख सकते थे अपने, और यहाँ पर हम अपने विचार अलग अलग माध्यम से, अलग अलग प्रकार से रख सकते हैं।
आप देख रहे हैं ना, इसका फेस क्या है, खुला है, मतलब एक से अधिक प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जिस कारण हम इसे खुला अंत वाले प्रश्न या हम कहते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न, इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसी सोच किन प्रश्नों में पाई जाती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में, खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे मैं बता रहा हूं। पहले तो आप देखिएगा, सोच के जब एक से अधिक प्रकार हो, आप अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकें, तो ये सोच का जो तरीका होता है डाइवर्जन। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यदि आप अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य हुए तो आप क्या करेंगे, तो क्या आप एक ही जवाब देंगे? नहीं, आप अपने आइडिया को ओपन करेंगे, अपने विचार को खोलेंगे। आप बताएंगे शिक्षा में सुधार के लिए मैं ये करूंगा, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होंगे, है ना, आने जाने का एक निश्चित बिंदु होगा, मतलब आप अपनी आइडिया को क्या करते हैं यहां पर ओपन करेंगे, विचारों को ओपन करते हैं। तो ये फैक्ट पर कार्य करता है और ये प्रश्न जो होता है वो आइडिया पर कार्य करता है। अपने विचार को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने विचार को ओपन करते हैं, खोलते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि यदि आप विद्यालय में प्रधानाचार्य हुए तो क्या करेंगे, तो क्या एक ही जवाब देंगे? नहीं, यहां पर हमारी अपनी सोच को ओपन करने का अवसर मिलता है। तो ये अभिसारी वाला प्रश्न फैक्ट पर कार्य करता है और इसमें हमें अपने आइडिया को ओपन करने का अवसर मिलता है। अब गणित की एग्जाम्पल में मैं रखूं, जैसे यहां पर आपने देखा कि 3 + 7 = 10, ये फैक्ट है, और इसी प्रश्न को मैं ओपन एंडेड में ले जाऊं तो मैं आपसे ये कह दूं कि ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 10 हो, ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 10 हो, क्या एक ही उत्तर आप दे सकेंगे? ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 10 हो? नहीं, आप अलग अलग कई प्रकार से अपने आइडिया को ओपन कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, मैंने आपसे क्या कहा, ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 10 हो, तो आप 1 + 9 भी कह सकते हैं, 2 + 8 = 10 ये भी कह सकते हैं, 3 + 7 = 10 ये भी कह सकते हैं, 4 + 6 = 10 ये भी कह सकते हैं, 5 + 5 = 10 ये भी कह सकते हैं। तो आपने देखा कि खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनमें हम अपनी सोच को ओपन करते हैं, सोच को ओपन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि दो संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 10 हो, तो यहां पर आप केवल एक ही उत्तर नहीं देंगे, आपकी सोच यहां पर ओपन होगी। अब आप समझ गए, इस प्रकार के जो सोच होती है ये बालकों में तार्किक दृष्टिकोण का विकास करती है, वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करने का विकास करती है, तथ्यों को हम अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं, अपने आइडिया को रख सकते हैं, मतलब इस प्रकार की सोच में बालक के गणितीय प्रक्रिया का विकास होता है, मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, सोच का गणितीकरण होता है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं इसे बाद में आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिए जा सकते हैं, एक से अधिक प्रकार से विचारों को रख सकते हैं, मुक्त अंत वाले श्रेणी के प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। यह मतलब यह सेंस खुला अंत वाले प्रश्न छात्रों को या बालकों को उत्तेजित करता है कि वो समस्या को एक व्यापक रूप से देखें और समझने का प्रयास करें। आप जानते हैं हम सभी बालकों के मन में एक प्रायः एक आप कह सकते हैं धारणा बन जाती है, हम ये सोचते हैं कि गणित में प्रश्नों के उत्तर देने का केवल एक ही वे होता है या गणित में प्रश्नों के केवल एक उत्तर हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गणित का कार्य, पॉइंट को ये चाहे तो नोट कर सकते हैं, गणित का कार्य केवल एक उत्तर प्राप्त करना नहीं वरन सही उत्तर प्राप्त करना होता है। मतलब हम ये अपने मन में धारणा कदापि न बनाएं कि गणित में प्रश्नों के सदैव एक उत्तर होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे प्रश्न गणित में इसलिए शामिल किए जाते हैं ताकि बालक के जो सोचने का तरीका हो वो वैज्ञानिक ढंग से बालक चिंतन कर सके और समस्या के मूल तक पहुंच सके,
सही मूल का मतलब ये होता है कि जो प्रश्न का एक्चुअल सेंस है वो पकड़ सके, और ऐसे प्रश्न की नेचर तभी जनरेट होती है जब गणित में कोई एकाग जानकारी लोप कर दिया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गणित में डर और चिंता का एक कारण ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये धारणा बनी रहती है कि गणित में सवालों के सदैव एक उत्तर होते हैं और यहीं से बात बिगड़ जाती है। तो यहां से मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं जिस प्रकार से सीटेट परीक्षाओं में प्रश्न बनाए जाते हैं। बंद अंत वाले तो समझ गए हैं, खुला अंत वाले प्रश्न, इस पर आपके सीटेट में प्रश्न बनाए हैं। प्रश्न कौन सा था यह मैं अभी बताऊंगा, पहले खुला अंत वाले प्रश्न की एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए आप देखें, मैं खुला अंत वाले प्रश्न की श्रेणी की बात करता हूं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। मैं आपसे कह दूं कि मिठाई के दो डिब्बे हैं, बात सुनिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल, मिठाई के दो डिब्बे हैं, दोनों डिब्बे में मिलाकर कुल 36 मिठाइयां हैं। मिठाई के कुल दो डिब्बे हैं, दोनों में मिलाकर कुल 36 मिठाइयां हैं, तो बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितनी मिठाइयां हैं, बताएं। क्या 18-18 कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं कि प्रत्येक डिब्बे में बराबर मिठाइयां हैं। यदि मैं ऐसा कहता कि मिठाई के दो डिब्बे हैं, दोनों डिब्बे में कुल 36 मिठाइयां हैं, यदि प्रत्येक डिब्बे में बराबर मिठाई हो तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी मिठाइयां हैं, तब आपका जवाब होता 18-18, तब ये प्रश्न श्रेणी होता बंद अंत वाला प्रश्न। लेकिन मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं कि प्रत्येक डिब्बे में बराबर मिठाइयां हैं। तो ध्यान देना, आप इस प्रश्न को खुला अंत वाले प्रश्न के श्रेणी में रखेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि पहले डिब्बे में एक मिठाई हो, दूसरे डिब्बे में 35, एक और 35 36 हो गए। या आप ऐसा भी कह सकते हैं पहले डिब्बे में दो मिठाई हो, दूसरे में 34। या ऐसा भी कह सकते हैं पहले डिब्बे में तीन हो, दूसरे में 33, योगफल 36 आना चाहिए। एक में चार तो दूसरे में 32, एक में पाँच तो नेक्स्ट में 31। ऐसे तो कई एग्जाम्पल, कई प्रकार से उत्तर को दे सकते हैं। मैं आपको यहां से कंक्लूजन बता रहा हूं, निष्कर्ष बता रहा हूं। ये जो मैंने अभी प्रश्न बोला, यह दो संख्याओं के योग का खुला अंत वाला प्रश्न है। यह दो संख्याओं के योग का खुला अंत वाला या मुक्त अंत वाला प्रश्न है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न ये बनते हैं, अब मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। मिठाई के दो डिब्बे हैं, दोनों डिब्बों में मिलाकर कुल 36 मिठाइयाँ हैं, बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितनी मिठाइयाँ हैं, क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखा रहेगा कि यह प्रश्न किस विचार श्रेणी के अंतर्गत का प्रश्न होगा। डैश ऑप्शन में दे दिया जाएगा पहला बंद अंत वाला प्रश्न, बी ऑप्शन में दे दिया जाएगा खुला अंत वाला प्रश्न, सी में निरर्थक प्रश्न, और डी में कंफ्यूज या जिसे हम कह सकते हैं डाइवर्ट करने वाला प्रश्न। तो यहां से आप बताएंगे कि यह दो संख्याओं के योग का खुला अंत वाला प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न को निरर्थक प्रश्न या कंफ्यूज करने वाले प्रश्न के श्रेणी में नहीं बल्कि खुला अंत वाले प्रश्न के श्रेणी में आप रखेंगे। कंफ्यूज मतलब संदेह, वो जो मैंने एक सेंस बोला थोड़ा सा गलत, आप संदेह कह सकते हैं, संदेह पैदा करने वाले प्रश्न, तो ये खुला अंत वाले प्रश्न के कैटेगरी में आएगा। एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे मैं आपसे ये कह दूं, प्रश्न श्रेणी देखिए, बालकों से कहें कि वे एक आयत बनाएं, बालकों से कहें कि वे एक आयत बनाएं जिनका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई हो, जहां भुजाएं धन पूर्णांक। अब बताइए ये प्रश्न किस श्रेणी का है, खुलांत वाले। हमने कहा बालकों से, मैंने कहा कक्षा में कि आयत का चित्र बनाए, ऐसे आयत का चित्र बनाए जिसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई हो, जहां भुजाएं धन पूर्णांक हो। तो आप क्लियर समझ लीजिएगा कि यह प्रश्न मुक्त अंत वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या है, क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई या चौड़ाई गुणा लंबाई।
हमने ये कहा कि कक्षा में हमने ये कहा बालकों से कि एक आयत बनाए जिसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई हो। तो अब 28 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो, और क्षेत्रफल का डेफिनेशन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई या चौड़ाई गुणा लंबाई। अब क्या बालक एक ही जवाब दे पाएगा या एक ही चित्र बना के लाएगा? नहीं, वो ऐसा भी कह सकता है कि चौड़ाई एक हो और लंबाई 28 हो। यदि चौड़ाई एक है लंबाई 28 है तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब ये एक उत्तर दे सकता है कि नहीं। मतलब एक आयत वो ऐसा भी बना सकता है, इसमें चौड़ाई एक है और लंबाई कितना है 28 है। या ऐसा भी तो जवाब दे सकता है कि क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, या ऐसा भी कह सकते हैं चौड़ाई गुणा लंबाई। तो बालक ये भी कह सकता है चौड़ाई 2 हो सकता है, लंबाई 14 हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई आना चाहिए। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 14 दूना 28 हो गया। मतलब बालक ऐसा भी चित्र आपको बता सकता है कि ये चौड़ाई 2 है और ये लंबाई 14 है, ऐसा भी चित्र बना के दे सकता है। या फिर क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई या चौड़ाई गुणा लंबाई। तो ऐसा भी बता सकता है चौड़ाई 4 हो, लंबाई 7 हो, 4 × 7 = 28, ऐसा भी चित्र बालक बना सकता है। ये चौड़ाई हमने 4 रखा है और लंबाई कितना रखा है 7, तो 4 × 7 = 28। तो ये जो प्रश्न था, मैंने बोला कि कक्षा में बालकों से मैंने कहा कि एक आयत बनाए जिसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई हो, यह प्रश्न किस श्रेणी के अंतर्गत का है? तो आप कह सकते हैं कि यह दो संख्याओं के गुणनफल का, यह दो संख्याओं के गुणनफल का खुला अंत वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बालकों को उत्तेजित करता है कि वो एक आंसर को व्यापक रूप से देखें और सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करें। हालांकि यहाँ पर सोच बृहद होगी, एक से अधिक उत्तर मिल रहे हैं जिसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंतर्गत रखेंगे। जब ऐसे प्रश्न बालक हल करते हैं तो उनमें कई कॉन्सेप्ट का निर्माण होना शुरू होने लगता है। जैसे बालक क्षेत्रफल की अवधारणा को भी बखूबी समझ लेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, बालक क्या समझ सकेंगे, संख्याओं का गुणनखंड करना आसानी से सीख लेंगे। 28 का फैक्टर करना, 1 × 28, 2 × 14, 4 × 7। दूसरी बात क्या समझेंगे, संख्याओं का गुणनखंड ठीक ठाक समझ लेते हैं। तीसरी बात क्या सीखेंगे बालक, जहाँ पे भुजाएं धन पूर्णांक हो तो बालक धन पूर्णांक भी समझ लेता है, मतलब भुजाएं निगेटिव नहीं लेना है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने से बालकों में एक वैज्ञानिक ढंग से चिंतन प्रक्रिया का विकास भी होता है। हालांकि यदि गणित में सभी सवाल ऐसे रहे तो ये गणित को निरस भी बना देंगे, लेकिन ये प्रश्न इसीलिए गणित में रखे जाते हैं ताकि बालक की सोच एक बृहद और वैज्ञानिक ढंग की हो। ऐसे प्रश्नों का निर्माण तभी होता है जब कोई एकाग जानकारी छिपा दी जाती है। जैसे यहाँ मैं कहता कि आयत का क्षेत्रफल बताएं, एक आयत बनाएं जिसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई से इतने सेंटीमीटर अधिक, तब तो बात कुछ और होती। यहाँ पे जानकारियों का, विशिष्ट जानकारियों का, एकाग जानकारी का लोप कर दिया जाता है। अब एक प्रश्न सीटेट में बना था, मैं प्रश्न केवल पढ़ दे रहा हूँ, उसमें लिखा था कि दो पूर्णांक संख्या, तो प्रश्न ये था दो पूर्णांक संख्याएं लिखिए जिसका योगफल ऋणात्मक हो। तो दो पूर्णांक संख्याएं लिखना जिसका योगफल ऋणात्मक हो। तो पूर्णांक संख्या तो हम जानते हैं ना, पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन होती है समस्त ऋण प्राकृतिक संख्या, जीरो सहित समस्त धन प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये पॉजिटिव इनफाइनाइट पर समाप्त होता है और शुरू कहां से होता है, निगेटिव इनफाइनाइट से। तो सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखिए प्रश्न ये पूछा गया था दो पूर्णांक संख्या लिखिए जिनका योगफल ऋणात्मक, यह प्रश्न भी आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन के ही अंतर्गत आएगा, क्योंकि ऐसे कई युग्म बना सकते हैं, दो पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं जिनका योग ऋणात्मक हो। जैसे आप ये ले लें -3 और एक पूर्णांक ले लीजिए +1। अब देखिए दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल क्या है, ऋणात्मक है। या आप -3 + 2 भी लिख सकते हैं -1, या -2 + 1 भी लिख सकते हैं, या इसके पीछे आए तो -4 + 2 भी लिख सकते हैं।
तो ऐसी कई पूर्णांक संख्याएं लिख सकते हैं जिनका योगफल क्या हो, निगेटिव में आए। तो ये प्रश्न जो है वो किस विचारधारा के प्रश्न के अंतर्गत आएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहां पर आपने एक ये क्रम देखा। यहां से एक अगला मैं हेडिंग बना दे रहा हूं, इस पर चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। मैं हेडिंग बना दे रहा हूं कि गणित की भाषा, गणित की भाषा सरल या कठिन। तो यहां से मैंने एक प्रश्न बना के छोड़ा है, इस पर डिस्कस मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।